बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि 20 से 26 जनवरी तक कोई भी मुसलमान रेल में सफ़र ना करे। अगर रेल में सफ़र करते हैं तो आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस तरह का बयान सामने आना और सोशल मीडिया पर खलबली मच जाना, आखिर ऐसा बयान आने के पीछे क्या है वजह, वो हम सद्दाम से जानेंगे। सद्दाम, जिस तरह से अजमल जी ने ये कहा है कि 20 से 26 जनवरी तक मुस्लिम ही क्यों ना बाहर निकले, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए ज्योति, इस बात को लेकर हमें समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि आपको उस वक्त ट्रेन में सफ़र ना करें जिस वक्त आप राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा जो रखा जा रहा है उसके बीच, देखिए हालात क्या है वो सब जानते हैं। हालात के हिसाब से अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई उसमें गलती नहीं है। वो मुल्क को समझ रहे हैं, एक सांसद हैं, उनके मतलब कहीं ना कहीं जो राजनीति का अनुभव है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर समझ रहे हैं और इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। अगर हो सकता है कि आपके साथ, अगर आप दाढ़ी में हैं, अगर आप टोपी में हैं, तो हो सकता है आपके साथ अनहोनी हो सकती है, ट्रेन में हो सकता है। आपने देखा है कि कई ऐसी घटना सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट्स इतने सारे बताती है कि किस तरह से मुस्लिमों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो मजहब के नाम पर उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, तो हो सकता है इसी लिहाज से उन्होंने कहा हो। तो अगर आप दाढ़ी टोपी कुर्ते में अगर जाएंगे तो घटना हो सकती है, तो उन्होंने सचेत किया है, उन्होंने आगाह किया है, ऐसा नहीं है। कई मीडिया कह रहे हैं कि ये बेतुके बयान है, ये भड़काऊ बयान है, तो इसको उस लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए, ये मेरा आकलन कहता है। और मुल्क के एतबार से, मुल्क के हिसाब से अगर ये वो कह रहे हैं तो ये गलत नहीं है। और गलत तब होता है जब मान लीजिए कि अगर 20 से 26 के बीच आप ट्रेन में सफर करते हैं, हो सकता है कि आपको कोई मार दे, हो सकता है। देखिए आखिर मुसलमानों के लिए ही क्यों नहीं, मुसलमान के साथ तो ऐसा होता आया है ना ज्योति, आपको तो इतनी सारी चीज़ें आपने कवर भी किया है, आपको पता भी, आपने इतने सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी आपने पढ़ा होगा, तो ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे लोग हैं दुनिया में और इस देश में, भारत में, मतलब अमन चैन है अभी भी, जो है गंगा जमुना तहजीब है। अगर आप कहीं जाएंगे तो एक थाली में बैठकर हिंदू मुसलमान खाते हैं, एक थाली में बैठकर जो है वो मतलब एक टेबल पे बैठकर खाना खाते हैं, और उनके पर्व में यानी ईद में वो आते हैं और दीपावली में वो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, जो हिंसक लोग हैं वो इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं ज्योति, और इसको लेकर भी आपको समझना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई तरह से सवाल खड़े किए हैं राम मंदिर को लेकर और मस्जिद को लेकर, कि हम मस्जिद को कभी भूलेंगे नहीं, बाबरी को हम कभी नहीं भूल सकते। तो ये दर्द है मुसलमानों का, ये दर्द है उन मस्जिदों का, एक कहीं ना कहीं जहाँ पर आप जो है मतलब इबादत करते हैं, आप भले ही वो किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, चर्च को भी अगर किसी तरह से कुछ मतलब नुकसान होगा तो उनके दिल में तो दर्द होगा। हिंदुओं के अगर मैं कहता हूँ कि मंदिर को तोड़ा जाएगा तो उनके दिल में तो दर्द होगा, इसीलिए मुसलमानों के दिल के दर्द जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ने से हुआ है। और वो तो आप जानते ही हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से ताला खुलवाता है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो है उनको बढ़ावा देती है। तो कांग्रेस अपने दामन को झांके, कांग्रेस अपने वो दाग को कभी नहीं भुला पाएंगे, और मुस्लिम तो कभी नहीं खासतौर पर भूल पाएगा ज्योति, कि वो जो उस दिन को अगर याद करते हैं तो हर कोई आज सीसा कूटता है, मायूस हो जाता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। सद्दाम, मंदिर मस्जिद तो सबका है, ठीक है, तो अगर मंदिर में हिंदू जा सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं जा सकते, और जो मस्जिद होती है वहाँ पर हिंदू भी तो जाते हैं, तो फिर उनके लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नहीं तो ये बात तो और लोगों से भी पूछनी चाहिए, और ये बात इसलिए भी पूछनी चाहिए ज्योति, क्योंकि आज देखिए तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, राम मंदिर अगर आप अस्पताल बना देते, आप कुछ बना देते, ऐसे कई सारे चलते रहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर आपके पास है तो आपको मतलब वो हेल्थ डिपार्टमेंट है तो आपको हज भवन को वहाँ पर मेडिकल या फिर अस्पताल बना देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन ज्योति एक बड़ा सवाल है कि अगर आप इस तरह से इस घटना को जिस तरह से देखते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हमारा भी आस्था है उसमें, हम भी उसका सम्मान करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसका सम्मान है, लेकिन जो गलत हुआ है वो गलत तो है, विरोध तो होगा, चाहे वो ओवैसी करे, बदरुद्दीन अजमल करे, और मुल्क के एतबार से अगर इस तरह से बयान आता है तो कोई गड़बड़ नहीं है, इसको उस लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।